हेलो एंड वेलकम टू लीगल टेरिटरी। सो लेट्स डिस्कस द लीगल ट्रेनिंग वैकेंसी इन मुंबई पोर्ट। और इसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका एडवर्टाइजमेंट हम देख लेते हैं। सो नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 18 इन नंबर एंड 25,000 पर मंथ इज अ स्टाइपेंड इनिशियली। सो आप लोगों को इनिशियली इतना अमाउंट मिलेगा और लेटर स्टेज पे ये 25,000 से इंक्रीज होके बड़े अमाउंट में चेंज हो सकता है। अब इसकी पहली चीज है कि फुल टाइम डिग्री एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप एनरोल्ड हैं और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का जो भी है रिजल्ट आने वाला है दे कैन अप्लाई। अदरवाइज जो लोगों का फाइनल ईयर अभी अभी स्टार्ट हुआ है वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, बट जिन लोगों का एक या दो महीने में रिजल्ट आने वाला है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आप अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए जब तक आप उस स्टेज तक पहुंचे जहां पर आपका सिलेक्शन हो रहा हो। अब एज लिमिट की सबसे पहली चीज कि 21 ईयर्स से 30 ईयर्स के बीच की एज लिमिट है और 5 ईयर्स ऑफ रिलैक्सेशन ST SC को मिला है। OBC के स्टूडेंट्स को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिला है। क्रूशियल डेट है कि जो भी 1 जुलाई को 2022 को 21 साल से ऊपर या 30 साल से कम की एज के लोग हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज द क्रूशियल डेट फॉर यू। यहीं से सारा कैलकुलेट होगा आपका एज। नाउ जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं और जिन लोगों की यूनिवर्सिटी इंडिया में रिकग्नाइज्ड है बाय UGC वही स्टूडेंट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपकी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर मेंशन है। कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट है, पहले 1 साल का आपको एंगेजमेंट मिलेगा मुंबई पोर्ट में और उसके बाद ये एक्सटेंड हो सकता है। मेथड ऑफ सिलेक्शन ये है कि आप जो भी है वो सब एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। सो वो जो लोग अगर अपना पोस्ट के नंबर बढ़ाना चाहें या कॉन्ट्रैक्ट असाइनमेंट को बढ़ाना चाहें तो वो सारी चीज़ें सब एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी मुंबई पोर्ट के। जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लगानी है डॉक्यूमेंट्स की और सर्टिफिकेट्स की रिगार्डिंग द एज। और काफ़ी ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस आप इसमें पढ़ सकते हैं इस नोटिफिकेशन में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। आप एप्लीकेशन फॉर्म मुंबई पोर्ट की वेबसाइट से निकाल सकते हैं। हाउएवर इसी एडवर्टाइजमेंट में नीचे एनेक्सर में आपको एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट मिल जाएगा तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके आपको इस एड्रेस पर भेजना है और ये जो द सेक्रेटरी मुंबई पोर्ट अथॉरिटी वाला एड्रेस है उस पर आपको सेंड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म तो सेंड करना ही है, साथ में आपको एलिजिबल जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को दिखाने के लिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करके आपको भेजने हैं, उनकी अटेस्टेड कॉपीज जैसा कि पहले ही मेंशन किया था। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 1st of August 2022। तो 1st August से पहले पहले आपको ये चीज़ सेंड करनी है और उसके बाद इसकी अदर टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई है कि आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो एंगेजमेंट मिल रहा है उसमें आपको कितनी लीव्स मिलेंगी, कितने ड्यूटी के आवर्स रहेंगे। तो आपकी जॉब रहेगी 10 to 6 और उसके बाद यू विल गेट हॉलीडे। तो इट्स लाइक वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा आवर्स ऑफ टाइम आपको स्पेंड नहीं करना ऑफिस में। 10 to 6 इज़ अ वेरी गुड टाइम और पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर रहेगा। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स आपको दी हुई हैं। अकोमोडेशन आपको मिलेगा वहीं पर, तो वो सूटेबल अकोमोडेशन भी वही लोग प्रोवाइड करेंगे। और अकोमोडेशन के बाद सबसे चीज़ उन लोगों ने बताई कि आपको आप अगर ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है तो आपको 1 मंथ की नोटिस इन राइटिंग पहले से ही देनी है। तो ये था अकोमोडेशन के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट अपडेट। नाउ लेट्स डिस्कस कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो इन लोगों ने एनेक्सर में यहीं पर कम्प्लीटली दिया हुआ है आपको यहाँ पे फिल क्या क्या करना है। सबसे पहले तो अपना नेम, उसके बाद अपना जेंडर फुल करके एड्रेस, कम्युनिकेशन, परमानेंट एड्रेस, बहुत बेसिक सी डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ और ये सब डालकर आपको सेंड करना है। और यहाँ पर आपके 10th के 12th के डिग्री के पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने की है तो और कोई क्वालिफिकेशन है तो उन सब के मार्क्स ईयर ऑफ पासिंग डाल के सेंड करना है। और अगर आपने कहीं पे वर्क एक्सपीरियंस लिया है तो वो यहाँ पर मेंशन करना है। अदरवाइज यहाँ पर आपको कुछ भी मेंशन नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज आपको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल नहीं है। तो अगर आपने कोई एक्सपीरियंस नहीं भी लिया है तो आप यहाँ पर फिल करके और अपना सिग्नेचर करके आपने अपनी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटैच करके सेंड कर सकते हैं उस एड्रेस पर। तो दिस वाज ऑल फॉर मुंबई पोर्ट अथॉरिटी।
वेकेंसी एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू गाइस.